रुंजाय जी, ये सारी बात तो एक तरफ है, लेकिन भाजपा 200 पार नहीं कर पाई कोई बात नहीं, लेकिन 3 से 77 पे पहुंच गई, 3 से 77 पर पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? क्योंकि पूरा जो वोट है ना, पश्चिम बंगाल का वोट दो भाग, वाम खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया। आप भूलिए मत, 40-47 साल से 77 साल, 30 साल, 2 साल छोड़ के, जिस समय एक संयुक्त फ्रंट आया था जो कम्युनिस्ट 60 के दशक में, 66 और 69 में कुछ समय के लिए दो यूनाइटेड फ्रंट का सरकार थे, लगभग जी ज्यादा से ज्यादा समय 30 साल 74 से 77 कांग्रेस का राज चल रहे थे। 77 से 2011 34 साल वाम का राज चला, एक बार नहीं 7 बार वो चुनाव जीता। तो देखिए, 10 साल पहले तक जिन लोग राजनीतिक दल एक राज्य में जिसका ताकत थे, आज खत्म हो गया, शून्य। हाँ, एक एक मिल गया। हाँ, वो है वो अपना वो अब्बास सिद्दीक का जो पार्टी है, फुरफुरा शरीफ का, वो इंडियन जी सेक्युलर फ्रंट, एक मिला। 2013 तृणमूल, 77 भारतीय जनता पार्टी, बस। तो 77, 3 से 77 कैसा हुआ? एक तो है, हमने पहले ही बताया कि बहुत सारे विधायक हैं जो एक समय तृणमूल में थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी। मगर जब एकदम, जो अंग्रेजी में हम कहेंगे बाइपोलर पॉलिटी, कि पॉलिटी में दो ही हो गया, जैसे राजस्थान में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ घर में है, जैसे केरल में है, जैसे तमिलनाडु में है, बहुत सारे आज राज्य थे, है, जब दो ही पार्टी या दो ही गठबंधन है। पश्चिम बंगाल का वही हालत हो, इसीलिए आप देखा कि कांग्रेस खत्म हो गया, वाम खत्म हो गया, सिर्फ दो ही पार्टी बच गया। और ये हमें मानना पड़ेगा कि 3 से 77 बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की। और समय बताएंगे किस तरह से हम विरोधी दल का, जो देखिए लोकतंत्र में जो सत्ते में रहते हैं उससे भी ज्यादा, मैं समझता हूँ, जिसका ज्यादा जिम्मेदारी है लोकतंत्र को मजबूत करना, ये है विरोधी दल। और हमारा आज अत्यंत दुख की बात है कि अगर भारतवर्ष का राजनीति अगर देखेंगे तो हमारे विरोधी दल का क्या स्थिति है, आप जानते हैं। मोदी जी, जी बहुत देर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, विरोधी दल मुक्त भारत, तो वही पहुंच गए हम लोग। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, और ये मैं समझता हूं केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों को मैं दोष देना चाहता हूं साथ साथ। जब ये कोरोना, ये महामारी का जो दूसरी लहर शुरू हो गया था, ममता बनर्जी, और सिर्फ ममता बनर्जी क्यों, निर्वाचन आयोग के अंदर लोग कह रहे थे कि आखिरी जो 3 दिन का जो चुनाव थे, 22 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, बोला एक दिन, किसी एक दिन में करो, 29 अप्रैल करो, क्योंकि लोग अचानक, लोगों को मालूम पड़ा कि इतने लोग अगर इकट्ठा होंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज, बहुत ही खतरे, लोग खतरे में है। आप भूलिए मत, जिस दिन आपका मोदी जी, ये है मेरा ख्याल है, हाँ मुझे याद है, 17 अप्रैल आसनसोल में, आप खुद जाके उस समय का यूट्यूब देखिए, यूट्यूब का उनका जो भाषण है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं सोचा कि इतने लोग देखेंगे। जी, उनका मुंह में मास्क नहीं था, आप नहीं, देखिए। मास्क तो उनका तो प्रंजय जी किसी भी रैली में नहीं रहा। बंगा बिहार की भी रैलियां जितनी हुई हैं आपने कहीं भी मास्क नहीं देखा होगा। बाद में जब बहुत ज्यादा मास्क मास्क की बात होने लग गई, उनके ऊपर क्वेश्चन, तो शायद एक आधी रैली में उन्होंने मास्क लगाया शायद। तो देखिए, आज दुख की बात है कि हम लोग सोच रहे थे कि सचमुच एक राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भारत सरकार कहां चले गए थे, मोदी जी कहां गए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे,
अमित शाह मैं जी उसी मैं उसी पे आ रहा था संजय जी, जी मैं उसी पे आ रहा था। ये जो मतुआ समाज है उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या केमिस्ट्री है वहां पे राजनीति में बंगाल में? देखिए मतुआ एक तरह से शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, और पश्चिम बंगाल में और जैसे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अगर इकट्ठा आप करेंगे 25% से भी ज्यादा है, और एक एक इलाका है में जहां बहुत इनके भारी संख्या में इन लोग हैं। तो चुनाव के पहले लोग कह रहे थे पश्चिम बंगाल में अभी तक जात का इतना असर नहीं पड़ता है जैसे बिहार में पड़ता, अलग अलग राज्य में पड़ता। यहाँ का एक तो है वाम दल जात के बात नहीं किया, श्रेणी के बात किया, क्लास नॉट कास्ट, फिर भी लोग कहा। और बहुत सारे ऐसे विश्लेषक अखबार में लंबा चौड़ा लेख बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने लिखा कि आज सिर्फ मथुआ क्यों, साथ साथ राजवंशी जो बंगला में बोलते हैं नमोशूद्र आदिवासी, और आप भूलिए मत मोदी जी बहुत दिन बहुत महीना के बाद एक साल के बाद जब विदेश गए थे बांग्लादेश गए थे वहां पे वो एक मंदिर में गए थे जिस मंदिर में मथुआ लोग ने बहुत उनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है ये मंदिर, तो लोग सवाल उठाया कि सचमुच मोदी जी एक देश का प्रधानमंत्री एक और देश में गए हैं, बांग्लादेश का जन्म का 50 साल हुआ कि विदेश जाके भी वो राजनीति करने के लिए किया। तो जो उन्होंने सोच रहे थे कि हम कास्ट को हम ब्रेक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा जो मतुआ है जो राजवंशी है जो आदिवासी लोग हैं ये मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करेंगे 2 साल पहले 2019 का लोकसभा चुनाव में एक कारण था जिस कारण के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने भारी बहुमत से 42 लोकसभा आसन में 18 उनको मिला था, तो इसका कारण था कि हाँ हाँ ये सारे राज्य में इनको बहुत सारे वोट मिला, हाँ ये तो फैक्ट है। मगर वो ही मैं वापस जा रहा हूं जो पॉइंट मैंने पहले भी बताया, राष्ट्रीय मुद्दा स्थानीय मुद्दा ये आप भूलिए मत। तो देखिए अगर आप वोट का शेयर देखेंगे बहुत आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे, 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40% के आसपास 40.2% मिला 18 आसन, इस बार कहां पे उन्होंने पहुंचा, इस बार 2% कम हो गया 38 का आसपास। तृणमूल को उस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिला, उसको 22 आसन मिला लोकसभा आसन मिला और 43.3 मिला, इस बार 5.5 के आसपास मिल गया 48.7 लगभग 49 के आसपास मिल गया, और वाम फ्रंट को 7.5 मिला था कुछ भी नहीं मिला, कांग्रेस को 5.6 मिला था 2 साल पहले इस बार तो कुछ भी नहीं मिला, तो एकदम सीधा वोट ट्रांसफर हो गया। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं और ये एक चुनाव के समय बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश में थे इन लोग कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय जब वाम दल थे 34 साल और कुछ समय जब कांग्रेस भी थे, जो राजनीतिक दल कलकत्ता में राज कर रहे थे राइटर्स बिल्डिंग आज वो न बनना है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रहे थे हाँ एक ही राजनीतिक दल दोनों जगह होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में गुजरात मॉडल होना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा होगा राज्य के लिए अच्छा होगा, नया उद्योगपति यहाँ पे निवेश करेंगे लोगों को नौकरी मिलेगा, मगर लोग तो विश्वास नहीं किया। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो हर जगह जिस भी राज्य में जाते हैं वहां ही कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए।